हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आलू की कचौड़ी कैसे बनाएं। आलू कचौड़ी बनाने की सामग्री है 1 बड़ा कप मैदा, 2 बड़े आलू हमने उबाल लिया है। फ्राई करने के लिए तेल, 1/2 ग्लास पानी, 2 कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला 1/2 चम्मच, धनिया पत्ता 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, कद्दूकस किया हुआ अदरक। सबसे पहले एक बर्तन में हम मैदा ले लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद गुनगुना पानी थोड़ा ले लेते हैं। थोड़ा और पानी ले लेते हैं और इसे बिल्कुल उसी तरह बनाना जैसे हम चपाती का आटा बनाते हैं। आटे को इसी तरह गूंदना है जैसे कि हम चपाती का आटा गूंदते हैं, उसी तरह बिल्कुल आटे को गूंद लेना है। देखिए आटा तैयार है। अब इसे हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। गैस को हमने ऑन कर लिया है, पैन गरम है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच तेल, कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, हल्दी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं मैश करके आलू, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और धनिया पत्ता। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। दस मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी कचौड़ी बना लेते हैं। अब हम आटे की छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। बना ली है। अब हम इसे इस तरह बनाना है। थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं। इसी तरह भरना है। कचौड़ी जो होती है उसे मोटा बनाना है आपको, क्योंकि कचौड़ी मोटी ही अच्छी बनती है। इसी तरह से इसे पैक कर लेते हैं। अच्छे से हमने पैक कर लिया है। अब इसे थोड़ा सूखा आटा इसे लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसे ऐसे हल्के हाथ से बनाना है। सबसे पहले हम ऐसे हाथ में लोई को लेंगे। लोई को लेने के बाद हम ऐसे लोई को बना लेते हैं। इस तरह करने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाले को हम भर लेते हैं। भरने के बाद इसे पैक कर लेना है।
कचौरी बड़े आसानी से बन जाती है। इसे बेलते वक्त ध्यान रखना है। देखिए इस तरह हम सूखा आटा लगा के इसे बेलेंगे और बेलते वक्त ध्यान रखना है कि कचौरी मोटी ही बने, ऐसे ही मोटा ही आपको बेलना है। इससे जो कचौड़ी है बड़ी सॉफ्ट बनती है। सारी कचौड़ी हमने बेल ली है और इसी तरह मोटा आपको बेलना है। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें हम कचौड़ी को डाल देते हैं। ब्राउन हो गया है, इसे पलट लेते हैं और कम आंच पे ही इसे फ्राई करना है। कचौरी जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे हम ऐसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे कचौरी को फ्राई कर लेते हैं। आलू कचौड़ी बनके तैयार है दोस्तों। इसे आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।